सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एम फॉर थॉर प्लेस। तो गाइस, बैक टू बैक हम लोग आ चुके हैं माई जी एम मोड की एक और एपिसोड लेकर के। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार, चलिए माई जी एम मोड जो है उसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है स्मैकडाउन वर्सेस रॉ और माई जी एम मोड के अंदर, और पहला हफ्ता हम लोगों ने किया था और हम लोग जीत गए थे। अभी हमारे पास बजट भी अच्छा खासा है, नए नए अरेनाज जो है वो अनलॉक हो रहे हैं, तो हम लोग इन नए नए अरेनाज को जो है वो ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं उसी टाइम पे बजट क्योंकि हमारे पास आया। तो अभी भी हमारे जो शो कॉस्ट है, सिर्फ शो को बुक करने करने में ही हमारे $40,000 लग गए हैं 190 जो है डॉलर्स में से। तो अभी हमारे पास अच्छी खासी बंदे भी हैं, सुपरस्टार भी आप लोग देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं हमारे पास सबकी। ये देखें ये गाइस, ये देखो जैसे ये पॉपुलैरिटी के ऊपर, POP के ऊपर जैसे ऊपर ऊपर जा रही है ना, यानी कि इसका मतलब है इन सुपरस्टार्स की पॉपुलैरिटी जो है वो ऊपर जा रही है, क्योंकि ये चारों हमारे चैंपियंस हैं, जिमी उसो, जे उसो, जॉन सीना एंड शार्लेट फ्लेयर, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। और ये अच्छी बात है हमारे लिए कि इनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, क्योंकि हमें यही तो चाहिए भाई। आज का गाइस पहला मैच ओपनर बुक करते हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जिमी एंड जे उसो वर्सेस मेस एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन। पता नहीं इतने आराम से क्यों बोला मैंने। और आज भी हम लोग चैंपियनशिप जो है वो डिफेंड कराएंगे, देखते हैं कि ये लोग डिफेंड कर पाते हैं उसको उसकी नहीं, और टेबल्स मैच करेंगे आज भी। वैसे कमिश्नर गोल क्या है पहले वो देख लेते हैं जाके भाई लोग। ओके शेड्यूल रनिंग, रनिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, कभी भी नहीं, ना ना ना। और चलिए भाई, अभी हम लोग स्पेशलिस्ट वर्सेस फाइटर कर देते हैं, यानी कि एज वर्सेस शिंस्के नाकामोरा। नॉर्मल मैच रखेंगे भाई, क्योंकि नहीं नॉर्मल नहीं, टेबल्स मैच कर देते हैं। चलो हाँ, टेबल्स मैच कर देना चाहिए। और फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग करने वाले हैं, अबे नहीं, हील वर्सेस, अच्छा हाँ हील वर्सेस हील किया था ना मैंने, इसलिए भाई बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी हमारी क्या कहते हैं इसकी पॉपुलैरिटी, मतलब बहुत कम रेटिंग आई थी। और अभी हम लोग एक मैच करेंगे टेबल्स मैच, नहीं टेबल्स मैच रखें या नॉर्मल मैच रखें, क्योंकि मेन इवेंट है, एक्सट्रीम रूल्स रख लेते हैं, एक्सट्रीम रूल्स मैच रखते हैं। चलो एक्सट्रीम रूल्स मैच रख लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक फेस क्रूज़र चाहिए, फेस क्रूज़र। ओ भाई फेस क्रूज़र मिल रही है भाई, लेकिन दो क्रूज़र मिल रही है, अलेक्सा ब्लेस और नयोमी, लेकिन दोनों की दोनों ही ये जो है परमानेंट है, और इतना बजट है नहीं हमारे पास, इन दोनों में से किसी को भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। नहीं ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, क्योंकि हमें चाहिए था, हमें ये चाहिए था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन चलो कोई नहीं, करते कुछ। अब आज भी हम लोग क्योंकि इन दोनों की दुश्मनी बिल्ड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो हम लोग कुछ कर देते हैं। चलो इन दोनों का मैच ही रख देते हैं भाई। और अब आज हम लोग मिडल में हम लोग रखेंगे बेकी लंच, कॉल आउट करेंगे शार्लेट फ्लेयर को। यहाँ पे चैरिटी प्रोमो रख लेते हैं, और यहाँ पे भी एक चैरिटी प्रोमो रख लेते हैं। चैरिटी प्रोमोज हम लोगों ने बुक करते रहना है, और भाई कोस्ट टू कोस्ट जाएंगे भाई। ओके ये भी हाँ ये यूज़ कर लेते हैं, ये ठीक ठाक है। बोनस को +2 मेरे शो को बोनस मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है, मुझे चाहिए भी, ले लेते हैं। और बर्थ ऑफ लेजेंड्स कर देते हैं, ये अपना आज का जो कार्ड है वो भी यूज़ करेंगे हम लोग। ओके ये आप लोग चेक कर पा रहे हैं भाई साहब। ओके ये देखें, ये सारे हमारे जो हैं वो लेजेंड बन चुके हैं भाई अभी। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। और हम लोग गाइस ऑफ कोर्स मैं ये वाला कार्ड भी लूँगा और ये वाला कार्ड भी लूँगा, क्योंकि देखो अब ये इस कार्ड से क्या होगा ना, कि हमारे जिस सुपरस्टार का स्टैमिना कम होगा, अगर हम उसको मैच करवा देते हैं तो भाई उसके इंजर्ड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और ये तो है आप लोग को पता ही होगा, ये दोनों कार्डों का ये है भाई इंजरी वाला और ये है हेल्थ स्पा का। और चलो अपनी शो की बुकिंग कन्फर्म करते हैं भाई, और हमारा आज का पहला मैच सिमुलेट करेंगे, हम आज का मेन इवेंट स्पेक्टेट करेंगे, ठीक है। ओके जिमी उसो एंड जे उसो, ओके अमेजिंग, बहुत मज़ा आया भाई, चार आ गए, 4 स्टार रेटिंग आ गई, बहुत बढ़िया। और एज वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, शिंसुके नाकामुरा जीत गए हैं भाई, राइवलरी बड़ी क्या 3 स्टार मैच दे दिया भाई दोनों ने, ठीक है। लेवल 1 पे राइवलरी भी चली गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और इनकी इन दोनों की राइवलरी लेवल 2 पे चली गई है, ठीक है। आज मेरी एनर्जी इसलिए कम है ना गाइस, क्योंकि मैं थोड़ा फिट नहीं हूँ, इसलिए मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, और डिसअपॉइंटेड मैच आई पिछली पिछली बार की तरह। चलो कोई नहीं, करते हैं कुछ, करते हैं चैरिटी प्रोमो रखेंगे हम लोग यहाँ पे एक शार्लेट फ्लेयर का, और यहाँ पे हम लोग ये वाला मैच जो है ऑफ कोर्स स्पेक्टेट करेंगे।
और गाइस आप लोगों को माई जी एम मोड के ये जो एपिसोड्स हैं ये कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताना है। आज तो सेकंड एपिसोड है, आप लोगों को फिर भी मुझे ज़रूर बता देना कैसे लग रहे हैं ये एपिसोड आप लोगों को, क्योंकि आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि WWE 2K23 का माई जी एम मोड के जो एपिसोड्स हैं वो भी हम लोग बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा। देखते हैं क्या होता है। आई होप कि ये मैच इतना बड़ा ना जाए, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि पहली ही वीडियो इतनी बड़ी हो जाए हमारी। यूनिवर्सल टाइटल का मैच होने जा रहा है भाई, और ये कौन आ रहा है सबसे पहले? फिन बैलर आ रहे हैं मेरे हिसाब से। खैर जो भी आ रहा है भाई हम स्किप करेंगे, हमें दिखाना चिखाना नहीं है भाई। और जॉन सीना, अभी जॉन सीना आएंगे मेरे हिसाब से, तो फिन बैलर आ चुके और हाँ भाई आ गए जॉन सीना। खैर चलो देखते हैं। ये भाई देखो WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का मैच होने जा रहा है, सीना चैम्पियन है, देखते हैं सीना डिफेंड कर पाते हैं अपनी चैम्पियनशिप के नहीं। ओके भाई साहब मैच स्टार्ट होता हुआ, ये अरेना अभी ऐसा इसलिए ना क्योंकि अरेना अभी हमारे अच्छे अच्छे अनलॉक होंगे, रेसलमेनिया बैकलैश पे हमारा अच्छे वाला अरेना भी आई गेस अनलॉक हो जाएगा। और भाई सीना शुरू में ही भारी पड़ते हैं सीना, अभी आपको करना नहीं चाहिए ये, मैं बोल ही रहा था सीना को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी मैच जस्ट स्टार्ट हुआ है। और ये मेरा फेवरेट मूव है फिन बैलर का, ब्रिलियंट ब्रिलियंट, फिन बैलर इज़ डूइंग गुड। अभी जॉन सीना को अगर चैम्पियनशिप डिफेंड करनी है तो बैलर को शुरू में ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ओके 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 ओ ऑफ कोर्स एक पे किकआउट तो करेंगे भाई। ओके अबे स्पेक्टेटर्स कैमरास हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? ओके ये अच्छा लगा मुझे। ओ भाई कहाँ कहाँ से दिखाते हैं, ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। यार हाइड ही कर देते हैं, जैसा चला हुआ है वैसे ही चलने देते हैं भाई। और फिन बैलर को चेक करो, मुझे लग नहीं रहा कि हम लोगों को ये जो है ओरिजिनल कैमरा एंगल है। ओ भाई साहब नहीं रहने दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो है हमारा अच्छा हाँ ये है शायद। फिन बैलर ऊपर जा रहे हैं भाई। ओके सीना की हेल्थ जो है कम हो रही है, मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी एंगल से कि सीना ये टाइटल जो है डिफेंड करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर सीना टाइटल डिफेंड कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया बात होगी हमारे लिए, क्योंकि जो फिन बैलर है ना उनके उनके ऊपर सिग्नेचर भी आने ही वाला है, सिग्नेचर भी आ गए फिन बैलर पे। अभी आई गेस सिग्नेचर अगर मार देना चाहिए था, सिग्नेचर मार देना चाहिए था क्योंकि सिग्नेचर ओ सीना ने रिवर्स कर दिया, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूँ कि सीना चैम्पियन बने रहे, क्योंकि सीना वर्सेस रोमन करने का प्लान है मेरा, अगर रोमन हमें मिल जाते तो। अगर फिन बैलर बन जाते चैम्पियन रहते फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी सही रहेगा, लेकिन सीना ही है ना फेस वर्सेस हील हो जाता। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया सीना, अभी नहीं ऑफ कोर्स वन पे किक आउट करेंगे, बिल्कुल भी बॉडी डैमेज नहीं हुई है भाई फिन बैलर की, जबकि जॉन सीना की जो बॉडी है वो फुली डैमेज है। ओके नीचे जाते हुए भाई दोनों, ए भाई कहाँ कहाँ तुम लोग? अच्छा वो देखो सीना क्या क्या हरकतें कर रहे हैं भाई। भाई रिंग साइड गाइस, मुझे लगता है हम लोगों को ये मैच क्विट करके सिमुलेट कर देना चाहिए, आई डोंट थिंक कि आपको मज़ा आ रहा होगा ये देखने में, क्योंकि कैमरा एंगल से गलती हो गई मुझसे, पता नहीं क्या कर दिया। और जॉन सीना ने रिटेन कर लिया चैम्पियनशिप इतनी मार खाने के बाद भी, और अमेजिंग। ठीक है Level 2 पे दुश्मनी चली गई है, ड्रू मैकेंटायर एक बार फिर से मेन इवेंट में है भाई। ओ ठीक है 3.5 स्टार हमारा 4 स्टार आया था, ठीक है। और भाई पॉपुलैरिटी रो अपने सुपर स्टार्स के ऊपर लेके जा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। कितने स्टार मैच आया? 2 स्टार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो चाहिए। ओके 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 और ये भी कम, अच्छा 2.5 स्टार, ठीक है, नॉट बैड नॉट बैड, ठीक है ठीक। आई आई गेस हम लोग जीत गए हैं, हम लोग, मुझे लग रहा है ऐसा कि हम लोग जीत गए हैं जी, हम लोग जीत गए भाई। ये चेक करो भाई बस एक बार, उन लोगों की
इस बार तो हमने फुल हरा दिया, सिर्फ एक मिडकार्ड मैच में हम लोग हारे हैं, बाकी हमने फुली डोमिनेट किया है भाई, स्मैकडाउन ने डोमिनेट किया है भाई रॉ को, और हमें भाई प्रॉफिट नहीं लॉस हो गया है भाई, हमें इस बार लॉस हो गया है 4,000 का, लेकिन हमारे फैंस बहुत अच्छे, 98,000 फैन बड़े हैं और हम अभी भी नंबर वन पे हैं। रोको 14,000 फैन रुपये का, मतलब 14,000 डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है, लेकिन फैंस बहुत कम कमाए रो ने हैर और अभी देखते हैं, अभी भी देख लेते हैं भाई साहब क्या होता है आगे। चलो भाई देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है, 2 हफ्ते रह गए भाई रेसलमेनिया बैकलैश को, मुझे पता है ट्रिपल एच सर के ये मैच मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, अभी मुझे यार एक क्रूज़र गाइस, एक क्रूज़र है ना हम लोगों को बाय करना ही पड़ेगा, और ये देखो क्रूज़र आ भी गई है, मून बहुत अच्छी बात है कि आ गए हैं क्योंकि हमें चाहिए थे, लेकिन भाई रोमन रैंक्स अभी भी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है, रोमन रैंक्स नज़र आने चाहिए भाई हमको, लेकिन कोई नहीं, आने वाले एपिसोड में भाई रॉक आ गए हैं, बिल गोडबर्ग भी आ गए हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से सुपरस्टार को मैं हायर करूं और कौन से को ना करूं, आप मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस कैसा लगा आज का शो आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना, मैं मिलता हूँ ब्रांड न्यू एंड नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।